आज जो है आप सभी के लिए लाए हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दो आपकी जानकारी के लिए कि प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया और पास्ट टेंस पूरा हो गया। अब फ्यूचर जो है मतलब जो निकट आने वाला समय है हमारा उसको हम भविष्य बोलते हैं। ये कोई मॉडर्न जो ग्रामर है उसके अंदर टेंस इसको नहीं माना जाता है, टेंस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी एक संभावनाओं को देखते हुए कि निकट भविष्य में ये सब घटित हो सकता है उस हिसाब से जो है यहाँ पर सेल और बिल का उपयोग करके इस टेंस को दिया गया है। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस है कि आने वाला जो समय है हमारा अब से कुछ समय बाद का, कुछ दिन बाद का, कुछ सालों बाद का, उस समय में कुछ घटित होगा। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जिस टेंस को हम काम में लेंगे वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। वही हर टेंस के बाद ही इसकी भी पहचान है कि वर्ब के अंत में जो है गा, गे, गी, ये सब हमें यहाँ पर मिलेंगे एक पहचान करने के लिए कि ये दिया हुआ वाक्य फ्यूचर टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब सेल और विल का प्रयोग हमें करना है, लेकिन यहाँ सेल और विल का प्रयोग हमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ना करके और पर्सन के हिसाब से करना। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे हमारे पास अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में है, एक सब्जेक्ट है, तो हमें सेल का प्रयोग करना है और बाकी अदर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के उन सबके साथ हमें जो है विल का प्रयोग करना है और मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पर काम में लेनी है। पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है, किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का जो पैटर्न है सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल जो आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से काम में लेने हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और उससे बसता है तो विभाग है। यहाँ दिया हुआ हम फुटबॉल खेलेंगे एग्जाम्पल, तो गा गी ये जो पहचान थी गा गी ये पहचान बता रही है कि फ्यूचर सिंपल का है। इसको हम कैसे बनाएंगे? जो पैटर्न है सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा बी, बी के बाद हम सेल लगाएंगे बी लगाएंगे, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो बी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हमें सेल का प्रयोग करना है। अगर हमारे यहाँ सेकेंड और थर्ड पर्सन होता तो हम उसके साथ बी का प्रयोग करते, तो बी सेल उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। खेलने को हम प्ले बोलते हैं और प्ले का हमने यहाँ प्रयोग कर लिया है और प्ले का अर्थ होता है खेलना और क्या खेलने की बात कही है फुटबॉल। तो ये यहाँ पर हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पूरा बन गया। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमें नेगेटिव कैसे बन जाएगा? थर्ड नंबर पे नोट लगाना है, तो थर्ड नंबर पे बी सेल नॉट प्ले फुटबॉल, ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव चेंज करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब वो आ जाएगी, सेकंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले सेल, सेल के बाद बी, बी के बाद प्ले और प्ले के बाद जो बस्ता हमारे पास फुटबॉल वैसे कैसे आ जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलने के लिए इसी वाक्य में इंटरोगेटिव वाक्य में थर्ड नंबर पे हमें नोट का प्रयोग करना है, तो सेल बी Not play football, ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। पर बताया था आपको मैंने पहले भी कि ये जो नोट थर्ड नंबर पे हम लगा रहे हैं इसको हम चाहें तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे सेल के साथ में भी ऐड कर सकते हैं, तब भी वाक्य गलत नहीं होगा। यूज की बात करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है, तो देखो सामान्यतः भविष्य में, भविष्य जो आने वाला समय है उस समय में संपन्न होने वाले कार्यों के साथ हम जो है फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, संजीत विल गो टू बरवाड़ा ऑन नेक्स्ट संडे, तो संजीत जो है अगले संडे को जो है कहाँ जाएगा? बरवाड़ा जाएगा, अभी गया नहीं है, अब जो संडे आएगा उसको जाएगा। तो इसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे जो संडे आएगा उस संडे को संजीत जो है वो बरवाड़ा जाएगा। यही सेम कंडीशन थी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, हमने पढ़ा था कि निकट भविष्य के अंदर जो प्री प्लान्ड प्रोग्राम होते हैं, प्री प्लान्ड मतलब जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं उनके साथ हम जो है प्रेजेंट सिंपल भी काम में लेते हैं। दूसरा है कि कंडीशनल सेंटेंस है, कोई भी वाक्य जो कंडीशनल शर्त वाले वाक्य हैं, इन शर्त वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लोज जो हमारा है उस प्रिंसिपल क्लोज में हमें जो है फ्यूचर सिंपल को काम में लेना है। कब? यदि सब ऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है, सब ऑर्डिनेट क्लोज जो वाक्य है अगर उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें मेन क्लोज जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें फ्यूचर सिंपल काम में लेना है। जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था उस समय भी ये कंडीशन सामने आई थी और वही कंडीशन आज फ्यूचर सिंपल में फिर से वापस आ रही है। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है सबऑर्डिनेट क्लोज है,
ये जो है सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में हमें दिखाई दे रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए से ये सब प्रयोग किया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल था। और प्रेजेंट सिंपल अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में है तो मेन क्लोज जो बच गया है इस मेन क्लोज में हमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने विल गो, तो विल गो का प्रयोग ऊपर दिया हुआ है। ऐसे कैसे फ्यूचर सिंपल में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है फ्यूचर सिंपल टेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा है, बहुत आसान है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।